And today we are going to study topic of the physics, and that is the branches of the physics. अच्छा जी, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में फिजिक्स की ब्रांचेस से जो ओल्ड बुक में थी वो पूरी वीडियो क्लिप बना हुआ है, आप वहां देख लेगा। अब जो फिजिक्स की न्यू बुक आई है उसमें न्यू ब्रांचेस है, हम उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास है मैग्नेटिज्म। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ब्रांचेस की तो वहां थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें कहता है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज स्टडी अबाउट दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। लेकिन अभी हम बात करने के लिए मैग्नेटिज्म, व्हाट इज मैग्नेटिज्म, पहले दिखाते हैं फिर बताते हैं। सही दिखाएंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स। मैग्नेटिज्म, वर्ड पे गौर करो, मैग्नेटिज्म मैग्नेट से निकला है, और मैग्नेट का काम क्या होता है, अट्रैक्ट करना, किसको, लोहे को, निकल को, कोबाल्ट वगैरह को अट्रैक्ट कर लेना। मैग्नेटिज्म इसके अंदर वो तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई है, लोहा, निकल, कोबाल्ट, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। सेकेंड वन हमारे पास है थर्मोडायनामिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। फिर वर्ड पे गौर करें, थर्मोडायनामिक्स, थर्मो थर्म से निकला है, थर्म का मतलब होता है हीट, डायनामिक्स डायनामो से निकला है, इसका मतलब होता है मोशन। इसका मतलब दोनों मिल गए, इसका मतलब है कोई चीज मोशन करेगी उससे हीट प्रोड्यूस होगी। फिलहाल थर्मोडायनामिक्स जिसकी वो शाखा है जिसमें हम हीट और एनर्जी के बारे में, हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, और हीट और टेम्परेचर का जो एनर्जी और वर्क से जो रिलेशन है इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑब्वियसली हम कहते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम कह रहे होते हैं, और ऑब्वियसली अगर समटाइम ये होता है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वर्क डन हो जाता है, ठीक है जी। तो इनका आपस में रिलेशन है, तो थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। या सिंपल सा, किसी बॉडी में वर्क डाउन हो जाए और उस वर्क डाउन होने की वजह से उस बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस होगी इसके बारे में पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट वन ऑप्टिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिक्स, देखिए आपने अक्सर जो लिखा हुआ देखा होगा, जैसे आप चश्मे वाले की दुकान पे आते हैं वहां लिखा होगा करीम ऑप्टिकल, अधिक ऑप्टिकल, इस तरह आपने नाम लिखे होंगे। तो क्यों लिखा होता है, क्योंकि उनका ताल्लुक चश्मों से होता है। तो ऑप्टिक्स इसका मतलब है, ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या पढ़े, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट। चश्मा है तो लाइट के बगैर तो बेकार है, तो लाइट के जो अहम पहलू है हम उसके बारे में पढ़े होते हैं, एंड इट्स प्रॉपर्टीज और लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े होते हैं। अब लाइट रोशनी है, रोशनी हम तक आ रही है, इस वक्त आप भी मुझे देख रहे हैं, रोशनी मौजूद है इसलिए देख रहे हैं, तो इस रोशनी के क्या पहलू है, इस रोशनी की क्या खसूसियात है, ये हम कैसे देखेंगे। ऑब्वियसली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हम लाइट, जिसको लाइट को हम देख सकें कि लाइट कैसे हम तक पहुंच रही है, लाइट की क्या खसूसियात है, तो वो इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम देख सकते हैं। तो इसका मुताला हम करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। आइए बताए साउंड। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज इस वक्त आप सुन रहे हैं। अब मेरी आवाज अब तक कैसे पहुंच रही है, ऑब्वियसली मेरी आवाज अब तक पहुंचने में कोई ना कोई मीडियम दरकार है, लेकिन ऑब्वियसली मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है तो मैं अंदर से कोई ना कोई एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, अंदर से प्रोडक्शन हो रही है, और मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है, इसकी कोई खसूसियात भी है। फिर आवाज की खसूसियात, इसकी एप्लीकेशन भी होती है, साउंड वेव्स की एप्लीकेशन होती है कि कहां कहां इस्तेमाल होती है। मैं बोल रहा हूं मर्दों की आवाज भारी, खवातीन की आवाज बारीक, बकरी की आवाज अलग, सही है, चिड़िया की आवाज अलग, कौवे की आवाज अलग, आवाज की खसूसियात है, इनकी एप्लीकेशन होती है, इसके बारे में मुताला करते हैं साउंड में। आई नेक्स्ट पार्टिकल फिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन देम। पार्टिकल फिजिक्स, मैं हमेशा से कहता हूँ वर्ड पे गौर करें, पार्टिकल क्या होता है, जरात,
जरा पार्टिकल्स जरा, तो पार्टिकल्स फिजिक्स, इसका मतलब क्यों गया? हम फिजिक्स के बारे में तो पता, मैटर एनर्जी होती है, तो मैटर और रेडिएशन, मैटर मादा हर वो चीज जो जगह में मार सके वो मैटर है, रेडिएशन हम देखते हैं सूरज से बहुत सारी रेडिएशन आई होती है वो जरात पर मुश्तमिल होती है, तो पार्टिकल फिजिक्स में ऑब्वियसली मैटर, दुनिया में हर चीज मैटर है, आप जमीन से लेकर जमीन के नीचे से आसमान तक चले आए सही है सब मैटर है, और रेडिएशन ये सब जरात से मिलकर बनी है, तो इनके जो एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, जो ये बुनियादी पार्टिकल्स हैं, इनके बारे में पढ़ना ये पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ने होते हैं सही है। और ये जो मैटर है और रेडिएशन है इनका आपस में क्या रिलेशन है? ऑब्वियसली रिलेशन है सही है, इसके बारे में पढ़ना पार्टिकल फिजिक्स में। जियो फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जियो फिजिक्स, जियो का मतलब होता है जमीन, आपने चैनल के नाम भी सुना होगा जियो, तो वो बेसिकली नाम इसलिए रखा है ताकि जमीन पर जितनी भी खबरें होंगी सब तक आप तक पहुंचेंगी, बट यहां पर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं जियो फिजिक्स। तो जमीन यानी कि इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जमीन का जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ना। जैसे आपने सुना होगा सात आसमान है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सात जमीन है, सात जमीन नहीं है, जमीन की सात तहें हैं, उन तहों के बारे में पढ़ना। फिर जमीन के स्ट्रक्चर में पेट्रोल है, मादिनियात है, जलजला आना सही है, तो ये गैसेस हैं, ये सारी चीजें जमीन के अंदर मौजूद हैं, इनका मुताल्लुक करना जियोफिजिक्स में। उम्मीद है चैनल समझना तो सलाम है।